नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, अपनी जो सरसों की फसल है वो लगभग 40 से 45 दिन की हो गई है। तो किसान भाई, इसमें नैनो यूरिया की स्प्रे के साथ साथ वो अपनी दानेदार यूरिया आती है उसके छिड़काव की सोच रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज इस यूरिया के साथ साथ आज कुछ ऐसी खातों की बात करेंगे जिससे सरसों है उसका उत्पादन लगभग 30 से 40% बढ़ जाए और जो दाना है उसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो। सरसों में खातों की बात करें तो सल्फर का एक अलग ही महत्व है। किसान भाइयों, अगर सरसों में अपन 10 से 12 किलो पर एकड़ के हिसाब से अगर सल्फर का उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों, अपनी जो सरसों है उसके दाने में तेल की मात्रा में सुधार होता है। और आजकल किसान भाइयों, जो मंडी भाव होता है वो तेल की मात्रा को देखकर ही किसान भाइयों को दिया जाता है। अब किसान भाइयों को ये सवाल आता है कि कौन सी सल्फर अपने खेत में काम में ले। किसान भाइयों, जो इफको की 90% में दानेदार फॉर्म में जो सल्फर आती है वो अपने खेत में 30 से 40 दिन बाद पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई से पहले आप अपने खेत में छिड़काव कर दें। और इसकी जो मात्रा की अगर बात करें अपन तो 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग करें। किसान भाइयों, सरसों में सल्फर के अलावा अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो किसान भाई, इसके लिए इफको की सागरिका के प्लस प्लस दानेदार का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर इसकी मात्रा की अपन बात करें तो 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल छिड़काव के माध्यम से सल्फर, यूरिया और सागरिका को मिलाकर अपने खेत में कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर इसका उपयोग कब करना है अगर इसकी बात करें अपन तो इसका उपयोग आप पहली सिंचाई या दूसरी सिंचाई से पहले इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, फसलों में पैदावार के लिए अन्य कोई प्रकार का आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।